साइबर क्राइम से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा अब साइबर क्राइम की शिकायत का हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड कर रकम निकालने पर फौरन इस नंबर पर शिकायत कराई जा सकती है। ऐसा करते ही पुलिस कार्रवाई शुरू कर देगी। इसके तहत साइबर फ्रॉड की रकम जिस खाते में गई हो फौरन सीज कर दिया जाएगा। यही नहीं, फ्रॉड की रकम किसी पे वॉलेट में जाती है तो उसे भी फ्रीज कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि आमतौर पर ओटीपी पूछकर खाते से रकम उड़ाई जाती है। इस हेल्पलाइन नंबर से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के लिए 155260 को यूपी 112 से भी जोड़ा गया है। दरअसल केंद्र सरकार की योजना सिटीजन फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम के तहत जारी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 को प्रदेश में 112 से जोड़ा गया है। अब यूपी में अगर कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है तो वह व्यक्ति 24 घंटे के अंदर इस नंबर पर कॉल कर सकता है। इस नंबर पर आने वाले कॉल 102 से जुड़ जाएगी। इस पर पीड़ित व्यक्ति को ठगी की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए साइबर थाना के उपनिरीक्षक उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया। देखिए, कल ऐसा है कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर जो हमारी महिला प्रशिक्षु हैं पुलिस लाइन गोरखपुर में प्रशिक्षा प्राप्त कर रही हैं, तो कल रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर साइबर अपराध थाना गोरखपुर परिक्षेत्र द्वारा उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल और नेशनल साइबर सुरक्षा का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो कि 155260 और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in, इसका प्रचार प्रसार हेतु हमें निर्देशित किया गया था। उसी के क्रम में कल रक्षाबंधन भी था और जो हमारी महिला प्रशिक्षु हैं उनको साइबर सुरक्षा से प्रदान करने के लिए उचित दिशा निर्देश और बचाव हेतु जागरूक किया गया था। सर, क्या है 55260? ये नेशनल साइबर क्राइम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, क्योंकि साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो एक संयुक्त प्रयास से सभी राज्य पुलिसकर्मी और सभी एकजुट होकर एक नेशनल पोर्टल बनाया गया है, जिसमें अगर अपराधियों का डेटाबेस और इकट्ठा किया जाता है और किसी भी आम नागरिक के साथ जो भी साइबर अपराध घटित होता है उस पर आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। पहले क्या था कि पहले किसी के साथ साइबर अपराध हो जाता था तो इधर से उधर भटकता रहता था, किसी को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था कि कहाँ जहाँ पे वो कंप्लेन कर सके। अब ये नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल लॉन्च होने के बाद आम नागरिक को एक प्लेटफॉर्म सरकार की तरफ से प्रदान कर दिया गया है, जहाँ पे आप अपने साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। इसकी मॉनिटरिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी की जाती है। इसको 112 नंबर से भी जोड़ा गया? हाँ, इसको 112 नंबर से, जैसे 112 नंबर पे इमरजेंसी सेवा है कि आप उसको कॉल कर सकते हैं, उचित लाभ ले सकते हैं। उसी तरह 155260 भी टोल फ्री नंबर है, उसको आप कहीं से भी डायल करके उसका लाभ ले सकते हैं। तो 112 पे अगर फ़ोन करें और ये बताएं कि साइबर क्राइम हुआ हमारे साथ, तो क्या उस नंबर से जुड़ जाएगा कि उस नंबर वाले फोन करें? जी, 112 पे भी अगर डायल करेंगे तो आपको उचित समस्या का समाधान कराया जाएगा। 155260 करेंगे तो 112 जी जी बिल्कुल।